हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने रेडमी नोट 14 प्रो प्लस के अंदर यहाँ पर भाई BGMI का 9 FPS टेस्ट। तो भाई इस वाले फ़ोन में यहाँ पर आपको सिर्फ 60 FPS तक गेमिंग मिलती है, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और भाई इस वाले फ़ोन में आपको यहाँ पर स्क्वायर कॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर सिर्फ 60 FPS खेल सकते हो। बट यहाँ पर मैंने भाई 9 FPS को इनेबल किया है चेक करने के लिए कि कैसे हमारे यहाँ पर इस फ़ोन में 9 FPS कैसे चलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप 9 FPS देख सकते हो, हमने इनेबल कर लिया है। और भाई एंटीलाइजिंग को यहाँ पर हम डिसेबल कर लेते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लैग हो जाता है 9 FPS के अंदर इस फ़ोन में एंटीलाइजिंग को करने के बाद, इसलिए यहाँ पर हम क्लोज रखने वाले हैं। बाकी भाई फ़ोन में जस्कोप वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, आप जस्कोप के लिए इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम रैंक मैच को लगा लेते हैं। और भाई इस वाले फ़ोन में आपको भाई कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पर गेमिंग करते हुए आपको भाई काफ़ी दस में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अगर आप यहाँ पर एक गेमर हो तो। बाकी भाई मैंने यहाँ पर गेम से लगा दिया, आप आराम से वॉच कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी भाई हम मिलते हैं आप वीडियो के एंड में, आप भाई गेम पे के मजे लो। तो आ गए ना बिल्ली।